काँग्रेसचे माजी मुंबई अध्यक्ष मिलिंद देवरा यांनी काल अजब ट्विट केले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करावं अशी मागणी त्यांनी केली. बघूयात काय म्हणाले ते. राज्यपालांनी काँग्रेस राष्ट्रवादीला सत्ता स्थापनेची संधी द्यावी असं ट्विट मिलिंद देवरा करतायत. राज्यपालांनी आघाडीला पाचारण करावं. शिवसेना भाजपनं सत्ता स्थापनेस नकार दिलाय असं मिलिंद देवरा यांनी काल ट्विट केलं. तर मिलिंद देवरांच्या या ट्विटवर नवाब मलिक यांनी काय प्रतिक्रिया दिली ते पण बघूयात. मिलिंद देवरा जी का ट्वीट देखने से आश्चर्य हो रहा है. सेकंड लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना है. अगर वो भी नहीं तैयार होती तो हम तीसरे नंबर के दल हैं. हमें बुलाया जाएगा ऐसे हमें नहीं लगता. सेकंड लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना है, निश्चित रूप से उन्हें बुलाया जाएगा. उन्हें सरकार बनाने का अगर मौका मिलता है तो एनसीपी कांग्रेस साथ में बैठ के निर्णय लेगी कि क्या फैसला करना है.